जिस तरह मैं देवों की उपासना करता हूँ उसी तरह मेरे पुत्र आदि भी देवों की उपासना करें। हे देवों, तुम सबको निवास कराने वाले शत्रुओं से अहिंसित हो, अतः तुम अपनी शक्तियों के कारण सर्वत्र पूजित हो। सूर्य संसार के सब कामों को देखता हुआ चलता है, इसीलिए वह सर्वद्रष्टा चक्षु है। वह अहिंसित, निर्मल, देखने योग्य और तेजो रूप है। जब वह प्रकाशित होता है तब द्युलोक के भूषण के समान सुशोभित होता है। जिस तरह किसी वीर के कानों में कुंडल सुशोभित होता है उसी तरह यह सूर्य द्युलोक के सुनहरे कुंडल के रूप में सुशोभित होता है। जो तीनों लोकों में चल रहा है उसको जानता है। इन देवों के जन्म जो जानता है वह सूर्य इस विश्व में सरल और कुटिल जो है वह देखता और प्रकाशित करता है। वह ऐसा सच्चा शासक है, सब इस शासक का सामर्थ्य जाने और उसको चारों ओर देखकर सरल रीति से अपने जीवन व्यतीत करें। हे देवो, तुम महान यज्ञ की रक्षा करते हो, इसकी ये मैं हमारी स्तुति करता हूँ। साथ ही मैं आदिति, मित्र, वरुण, अर्यमा, ऐश्वर्य शक्ति, भग देवता तथा अन्य देवों की भी मैं उपासना करता हूँ। आदिति के पुत्र आदित्य हिंसकों का नाश करने वाले, सज्जनों की रक्षा करने वाले, अहिंसित महान शासक, सुंदर घर देने वाले, नित्य तरुण तथा अत्यंत बलशाली हैं। इसी तरह आदिति भी है, अतः मैं इन सब की शरण में जाता हूँ। द्युलोक वर्षा गिराकर तथा अन्न पैदा करके सबका पोषण करने वाला होने से सबका पिता है। पृथ्वी सभी प्राणियों पर समान रूप से स्नेह करने वाली माता है। अग्नि सबका सहायक होने से सबका भाई है। ये सभी देव हमें सुखी करें। हे देवो, तुम सब प्रीति पूर्वक मिलकर हमें अत्यधिक सुख प्रदान करो। हे पूज्य देवो, तुम हमें कुटिल और दुष्ट लोगों के वश में मत करो। हमारे साथ जो पाप व्यवहार करते हैं उनके अधीन भी हम ना रहें। हे देवो, तुम सब हमारे शरीर के स्वामी हो, इसीलिए तुम हमारे शरीर में जल बढ़ाओ। दूसरों का किया पाप हमें भोगना ना पड़े, जिसके किए तुम दंड देते हैं वैसा कोई पाप ना करे। विश्व के तुम स्वामी हो, शत्रु अपने शरीर को स्वयं नष्ट करे, वह हमें कष्ट देने के लिए ना रहे। नमस्कार करना या वंदना करना सर्वोत्तम रीति है, इसीलिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ। यह नमस्कार ही पृथ्वी और द्युलोक को धारण करता है। इसी नमस्कार के द्वारा सभी देव भक्त के वश में होते हैं। मैं देवों की भक्ति करके, उनकी उपासना करके अपने पापों का नाश करता हूँ। हे देवों, तुम यज्ञ के नेता, शुद्ध बल वाले, यज्ञशाला में रहने वाले, अपराजित, दूरदर्शी और मनुष्यों को उत्तम मार्ग से ले जाने वाले हो। वे देव अत्यंत श्रेष्ठ तेज से युक्त हैं, इसीलिए वे हमारे संपूर्ण पापों को दूर करें। वे सभी देव उत्तम शास्त्र बल में युक्त, सत्य कर्म करने वाले और सदा सत्यवादी हैं। सुख को बढ़ाने वाले इंद्र, पृथ्वी, पूषा, भग, आदिति और पंचजन, वे देव उत्तम घर देने वाले और उत्तम मार्ग से चलाने वाले हों। वे हमारी उत्तम रक्षा करने वाले और गौ पालक हों। अन्न को देने वाला होता तुम बुद्धि को प्राप्त करता है, दिव्य घर को प्राप्त करता है तथा यज्ञ करने वाला बुद्धिमान मनुष्य इन देवों के जन्मों के बारे में उपदेश देता है। हे अग्नय, तू ऐसा कर कि हम शत्रु, चोर, दुष्ट और पापी के पास भी जा सके, अर्थात उनसे भी हमें कोई डर ना हो। हम निडर होकर सर्वत्र संचार करें, पर यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता ना छोड़कर सज्जन से खराब व्यवहार करे
तो ऐसे दुष्ट को तू सज्जन से दूर ही रख। जो पुरुष पत्थर जैसे कठोर होते हैं, वे अपनी मित्रता के लिए सुख देने वाले पुरुष को ही अपने पास रखते हैं। हे देव, तू दुष्ट व्यवहार करने वाले पुरुष को दंडित कर, क्योंकि ऐसा दुष्ट पुरुष मानो समाज के लिए भेड़िया रूप ही। जिस तरह भेड़िया बकरी आदि अहिंसक प्राणियों को मार देता है, उसी तरह दुष्ट पुरुष भी समाज में सज्जन पुरुषों को मार देता है। हे देवों, तुम सभी उत्तम दान देने वाले हो। तुम देवों में विशेष तेजस्वी इंद्र श्रेष्ठ हैं। जो विशेष तेजस्वी होता है, वही मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। हे देवों, तुम हमारे मार्ग को सुगम करो। हे गोपाल को, हमारे घर को सुखदायक करो। जिस घर में गौओं का पालन होता है, वह घर सदा सुख से पूर्ण होता है। हम सुख से जाने योग्य निष्पाप अर्थात पाप से रहित मार्ग में जाएं। इस पाप रहित मार्ग से जाने पर सब शत्रु दूर होते हैं और धन मिलता है। जो ना करने योग्य यज्ञ को करता है, वह ना द्यूलोक में रहता है, ना पृथ्वी में रह सकता है, और वह यज्ञ से प्राप्त करने वाले फलों को भी नहीं प्राप्त कर सकता, ना उसे कभी शांति ही मिल सकेगी। ऐसे अयोग्य यज्ञ को करने वाले मनुष्य को अभी देव नष्ट करे, हीन अवस्था को पहुँचे। जो ज्ञान से द्वेष करता है, जो ज्ञान की निंदा करता है, उसके लिए ज्वालाएं जलाने वाली हों। उस ज्ञान से द्वेष करने वाले को यह द्यूलोक संतप्त करे, दुखी करे। ज्ञान से द्वेष करने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा। हे सोम, तुझे ज्ञान का रक्षक कहते हैं, तुझे निंदा से बचाने वाला कहते हैं। ज्ञान का रक्षण करना चाहिए और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वालों को देखते रहना योग्य नहीं है, उनको सुधारना चाहिए। ज्ञान से द्वेष करने वाले को अच्छा दंड देना चाहिए। यदि वह सौम्य उपायों से ना सुधरे, तो कड़क शस्त्र भी उस पर फेंकना चाहिए। इस मंत्र में प्रभु से पूछा है कि क्या तुझको ज्ञान का रक्षक कहते हैं, तुमको निंदा से बचाने वाला कहते हैं? फिर हमारी निंदा करने वालों को तुम देखते ही रहते हो, वह कैसे हो रहा है? निंदकों पर अच्छा प्रहार करो और विश्व में शांति स्थापन हो। जो उषाएं हर रोज प्रकट होती हैं, वे मेरी रक्षा करें। जल से भरकर बहने वाली नदियां मेरी रक्षा करें। सदा स्थिर और दृढ़ रहने वाले पर्वत मेरी रक्षा करें, और पितर भी मेरी उत्तम प्रकार से रक्षा करें। इस सदा मन में उत्तम विचार रखें। मन में क्री विचार रखने से हानि होती है, अतः सदा अपने मन में उत्तम ओजस्वी विचार ही रहे। सूर्य ऊपर आकाश में आया है, ऐसा हम देखें, अर्थात हम सूर्य जी का दर्शन करें। हम प्रकाश में रहें, दीर्घ जीवन प्राप्त करें। दिव्य पुरुषों को अपने पास लाने वाला धनपति संरक्षक शक्ति के साथ हमारे पास आवे और हमें धन देकर हमारा संरक्षण करे। अपने रक्षा के साधनों से युक्त होकर इंद्र हमारे पास आवे। जल से भरकर चलने वाली नदियां हमारी रक्षा करें। पर्जन्य अर्थात मेघ देव औषधियों को उत्पन्न करके हम सुख प्रदान करें। प्रशंसनीय अग्नि पिता के समान सुख से बुलाने योग्य हो। हे देवों, मेरी प्रार्थना सुनकर तुम आओ और इस मेरे यज्ञ में बैठो। हे देवों, घी जिससे उपजता है, ऐसी हवी से जो तुम्हारा आदर सत्कार करता है, उसके पास तुम जाते हो। हवन में ऐसी हवी डाली जाए कि जिसमें घी भरपूर हो। अग्नि आदि सब देव अमर ईश्वर के पुत्र हैं, वे सभी देव हमें सुख देने वाले हों। सत्य मार्ग की वृद्धि करने वाले जो होते हैं, वे देव कहलाते हैं। ऋतु के अनुसार हवन करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं।
ये दो लक्षण देवों के हैं, सत्य का प्रचार और ऋतु के अनुसार कर्म करना। ये दो लक्षण देवों के हैं। इंद्र वीर मरुतों का समूह, कारीगर मित्र और श्रेष्ठ मनन वाला अर्यमा, ये सब देव हमारी प्रार्थनाएं सुने। हे यज्ञ को पूर्ण करने वाले अग्नि, तू हमारी दिव्यता जानकर उत्तम कर्म के अनुसार यज्ञ को पूर्ण कर। हे देवों, जो देव अंतरिक्ष में है और जो द्युलोक में है, वे सब देव मेरी प्रार्थना सुने। जो देव अग्नि के समान तेजस्वी है तथा जो देव यज्ञीय है, वे इस आसन पर बैठकर आनंदित हो। निंदा के भाषण तुम्हारे सामने मैं कभी ना कहूँ, मैं कभी बुरे भाषण ही ना करूँ। तुम्हारे मनों में हमारी विषय में अच्छे भाव ही सदा रहें और हम आनंद प्राप्त करें। जो भी देव पृथ्वी पर, द्युलोक में और अंतरिक्ष में हैं, वे देव हमें ऐसे रात्रि और दिन तथा आयु प्रदान करें कि हम संपूर्ण आयु सुख ही भोगते रहें। हे अग्नि और पर्जन्य देव, तुम दोनों मेरी बुद्धि की रक्षा करो। हे देवों, तुम हमारी स्तुति सुनो। तुम दोनों में से एक देव अर्थात पर्जन्य या मेघ अन्न को उत्पन्न करता है, तो दूसरा देव अग्नि उस अन्न के अंदर रहकर उन अन्नों को परिपक्व या पुष्ट करता है। हे देवों, जब हम आसन फैला चुके, अग्नि प्रदीप्त हो जाए तथा मन से मंत्रों का बोलना शुरू हो, तब तुम सब हमारे इस कर्म में आनंदित हो। मार्ग का स्वामी पोषण करता, पोषण करने वाला योग्य मार्ग को जाने और उसी मार्ग पर से वह जाए। अन्न दान अथवा अन्न प्राप्ति के लिए रथ को जोतते हैं, रथ में बैठकर अन्न का दान करते हैं अथवा अन्न लाते हैं। बुद्धि के कर्म करने के लिए तुझे प्रेरित करते हैं। मनुष्य बुद्धि को बढ़ावे और बुद्धि से सुयोग्य कर्म करे। मानवों का हित करने वाला धन है, धन सब मानवों का हित करने वाला है। दक्षिणा देने वाला वीर पुत्र या वीर पुरुष हो, उदार पुत्र हो, प्रयत्न करके दान देने वाला वीर पुत्र हो, प्रशंसनीय जो गृहस्थ हो उसको हम प्राप्त करें। मानवों के हितार्थ धन देने वाला उदार वीर गृहस्थ जो होगा, वह प्रशंसनीय तथा पास जाने योग्य है। दान ना देने वाले को भी दान देने के लिए प्रेरित कर। जो कंजूस है उनको भी दान देने में प्रवृत्त करना चाहिए। व्यापार व्यवहार करने वाले बनिए के मन को जरा नरम कर। बनिए दान नहीं देते, उनका मन गरीबों की स्थिति देखकर पिघल जाए। धन प्राप्त करने के मार्ग ढूंढकर निकालने चाहिए। मनुष्य उद्यमी बने, उदास ना हो, शत्रुओं को परास्त करो। धन प्राप्ति के मार्ग में जो विघ्न करते हैं उनको दूर करना चाहिए। हमारे बुद्धिपूर्वक किए कार्य सब के सब सिद्धि को प्राप्त हो, उनसे हमें काम मिले, हमारी इच्छाएं सिद्ध हो। हे पूषा देव, आरे से पणी को काट दे। पणी वह व्यापारी है कि जो अत्यधिक लाभ की इच्छा से ग्राहकों को उगाता है। हृदय में सबका भला करने की इच्छा कर, किसी को दुख देने की इच्छा ना कर। हमारे लिए शत्रु का नाश कर। बुरा या भला जो व्रत हो वह यथावत लिख कर रख। सबको विदित होवे कि यह ऐसा है। पाणियों के हृदय खाली कर, उसके अंदर बुरी भावनाएं ना रहें ऐसा कर। व्यवहार करने वाले बुरी वृत्ति से व्यवहार करके जनों को ना फंसावे ऐसा कर। तेजस्वी सबका पोषक देव ज्ञान से प्रेरित शस्त्र को धारण करता है। शस्त्र हमेशा ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक चलाया जाए। अविवेक से कभी भी शस्त्र का उपयोग कोई ना करे। हे देव, सबके विषय में सम भाव रखने वाला जो है, उसके हृदय के सम भाव को यथावत लिख कर रख। वह सब के लिए आदर्श
हृदय का भाव होगा, अतः उसके सम भाव को यथावत लिख कर रखना आवश्यक है। उसके हृदय को खाली कर उसमें कुछ भी बुराई ना रहे ऐसा कर, हृदय परिशुद्ध हो ऐसा कर। हे तेजस्वी वीर, जो तेरी व्यापक और पशुओं को बढ़ाने वाली बुद्धि है वह तेरे पास रहे, उस तेरी बुद्धि से तेरा उत्तम मन भी मिला रहे, तेरे पास उत्तम पशु भी बढ़े और उत्तम मन भी तेरे पास हो, ऐसी बुद्धि और ऐसा उत्तम मन हमें प्राप्त हो। हे देव, हमारी बुद्धि को गौ की सेवा करने वाली, घोड़ों के साथ रहने वाली, अन्न प्राप्त करने वाली और पुत्र पोत्रों तथा मानवों के साथ मिलकर रहने वाली बना। हमारी बुद्धि ऐसी हो, जो निस्संदेह ऐसा ही है ऐसा अचूक कहता है वह सच्चा मनुष्य है। हे देव, जो अनुकूल शासन करता है, योग्य उपदेश देता है, उस विद्वान के पास शीघ्र हमें ले जा। ऐसा विद्वान सबका हित करेगा, पूषा अर्थात सबका पोषण करने वाला देव इस विश्व रूपी घर को अनुशासन में रखता है। इस विश्व का एक कण भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी तरह घर का स्वामी संपूर्ण घर को अनुशासन में रखे, उसके अनुशासन के बाहर परिवार का कोई भी सदस्य ना जाए। पूषा का चक्र और शस्त्र पीछे नहीं हटता, शत्रु पर योग्य रीति से आघात करता है तथा इसका कोष खजाना रीता खाली नहीं होता, सदा भरा रहता है। शस्त्रों की तीक्ष्णता और खजाना भरपूर भरा रहता, इस पर राज्य मंत्री की सुरक्षिता है। जो मनुष्य इस पूषा को मन से हवी देता है उसे यह पूषा भी कभी कष्ट नहीं देता और उसे यह पूषा सबसे पहले धन देता है। पूषा देव की कृपा से हमारे पास गौएं घोड़े और धन या अन्न भरपूर हो, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए तथा स्तुति करने वाले हमारे लिए गाय अनुकूलता से प्राप्त हो। हे पूषा देव, हम तुझे नष्ट ना करें, तू हमें नष्ट ना कर, हम कभी पतन की ओर ना जाएं, तू भी अविनाशी गायों को लेकर हमारे पास आ। यह पूषा देव प्रार्थना सुनने वाला अविनाशी धन अपने पास रखने वाला है, उससे हम धन मांगते हैं। हे पूषा देव, तेरे व्रत में रहते हुए हम कभी नष्ट ना हो, क्योंकि हम तेरी स्तुति करने वाले हैं, जो इन देवों के अनुशासन में रहकर इनके द्वारा बताए गए कर्मों को करता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। पूषा अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रखे और नष्ट हुए धन को हम फिर प्राप्त करें। वीर तेजस्वी हो, विमुक्त करने वालों की उन्नति पथ से ना गिराए, हम दोनों मिलकर रहेंगे। समाज में ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, उनमें संगति होनी चाहिए। यह पूषा देव रथियों में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत विशाल धन का स्वामी है। ऐसे पूषा से जो हमारा मित्र के समान हित करने वाला है हम धन मांगते हैं। हे तेजस्वी और वेगवान घोड़ों वाले पूषा, तू धन का स्तोत्र है, अर्थात तुझसे ही धन निकलता है, तू ही ऐश्वर्य का खजाना है और प्रत्येक उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य का तू मित्र है। यहाँ पूषा को सवसु जार अर्थात अपनी बहन की आयु को नष्ट करने वाला कहा गया है। यहाँ पूषा सूर्य है, सूर्य के आते ही उसकी बहन उषा नष्ट हो जाती है, इसीलिए सूर्य यहाँ पूषा को बहन को नष्ट करने वाला कहा गया है। यह पूषा देव अर्थात सूर्य अपनी माता अर्थात रात्रि की आयु को भी नष्ट करता है और अपनी बहन उषा की भी सूर्य के उदय होते ही रात्रि और उषा दोनों नष्ट हो जाते हैं। यह पूषा सूर्य इंद्र अर्थात विद्युत का भाई है और उत्तम मनुष्य का हितकारी है।
यह पूछा, करंभ अध अर्थात कर हाथों से खंब जल को अदु आने वाला है। पूछा, सूर्य के रूप में कर अर्थात अपने किरणों से पृथ्वी पर के जल को पीता है, फिर उसी जल को बरसाता है, इसीलिए लोग इस पूषा की स्तुति करते हैं। पूषा देव रथी वीरों में श्रेष्ठ है, यह पूषा इंद्र का सच्चा मित्र है, इसलिए सज्जनों का पालन करने वाला इंद्र इस पूषा की सहायता से शत्रुओं को मारता है। सबका पोषण करने वाले परमात्मा जी का एक अद्भुत काम यह है कि उसने सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया। इतना दूर स्थापित करने पर भी पृथ्वी पर के लोगों को प्रतीत यह होता है कि सूर्य उनसे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर घूमती हैं। हे बहुतों द्वारा स्तुत और प्रशंसा के योग्य पूर्वादेव, जो हम आज तुझसे मांगते हैं उसे तू हमें प्रदान कर। हे पूषा, तेरे किए पास का स्थान या दूर का स्थान कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू सर्वत्र व्यापक है, तू सबके मन की इच्छाओं को जानता है, इसीलिए गायों की खोज करने वाले इस जन समूह को धन प्रदान कर। आज भी हमारा सब प्रकार से कल्याण हो और कल भी हमारा सब प्रकार से कल्याण हो। तेरी पाप दूर करने वाली, धन देने वाली और कल्याण करने वाली बुद्धि हमें अनुकूल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम स्तुति करने वाले मनुष्य इंद्र और पूषा को मित्रता, कल्याण, बल, ऐश्वर्य और अन्न आदि की प्राप्ति के लिए बुलाते हैं।